हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने 25 लाख रुपए जीते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने 25 लाख रुपए कैसे जीते। तो आप यह वीडियो पूरी देखें और पूरी कहानी को समझें। तो दोस्तों, करीब 28 सितंबर यानी 28 सितंबर को मेरे पास करीब 6 बजे एक मैसेज आया जो अनजान नंबर से था। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस नंबर से था जिस पर लिखा है KBC 2020, और इस नंबर से मेरे पास एक लॉटरी फ़ोटो और एक ऑडियो आया। पहले आप लॉटरी फ़ोटो को देख सकते हैं कि आप इस लॉटरी फ़ोटो में देख सकते हैं कि इसमें कुछ नंबर है, कुछ लॉटरी नंबर है, और कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह एडिट किया हुआ है, और आपको साफ पता लग रहा होगा कि यह 25 लाख रुपये इसमें लिख रहा है। आप तो दिख रहे होंगे कि मेरे पास यह लॉटरी फ़ोटो आया और एक ऑडियो आया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह ऑडियो सुन लेते हैं। सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से। व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है, व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर, ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, चुनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये जो आपको ये आपका लॉटरी है, ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है, इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है, इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है, और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी तो व्हाट्सएप से कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें, अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर व्हाट्सएप। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, तो फिर मैंने लॉटरी फ़ोटो में से यह नंबर सेव किया और कॉल किया, जिसमें उन्होंने मुझसे फ़ोटो और बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड और फ़ोटो मांगा, क्योंकि यह मेरा पुराना खाता था और मैंने यह फ्रॉड के नाम से सेव किया, और मैंने अपना एक दोस्त का फ़ोटो डाल दिया और अपना अकाउंट नंबर, जो मेरा पुराना अकाउंट नंबर है, जो चल तो रहा है लेकिन उसमें 1.5 रुपये, मतलब कि 1.50 रुपये पड़े हैं फ़िलहाल। तो ये सब भेजने के बाद उन्होंने मेरे पास एक ऑडियो और 3-4 वीडियो भेजी, आप देख सकते हैं, मैं आपको यह चला कर भी दिखाऊंगा। और उसके बाद वीडियो देखने के बाद मेरे पास 2 ऑडियो आई और बैंक अकाउंट नंबर आया, जिसमें लिखा था SBI विनय कुमार, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड लिख रखा था, और ब्रांच मुंबई। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुने और यह वीडियो भी देखें, उसके बाद दोस्तों। यस, आपके नाम के डॉक्यूमेंट, आपके नाम की जो फाइलें हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी देर है तो आपकी वजह से देर है, हमारी तरफ से आपके काम में कोई भी देर नहीं है, ठीक है ना। आपकी वजह से यूँ देर है कि ये जो आपका हमारे पास 25 लाख का चेक आया है ना, ये चेक अभी आपके नाम पे रजिस्टर्ड करवाना है, आपके नाम पे ये चेक रजिस्टर्ड नहीं है। ये जैसे ही आपके नाम पे चेक रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद में ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में एंटर होगा, ठीक है ना। आपकी फाइल जो है, आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइल बाकी, जो चेक बाकी है, जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड करवाना है, जैसे वो चेक आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद में ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में एंटर होगा। तो चेक रजिस्टर्ड करने के लिए उसके चार्जेस हैं, जो कि आपको पहले से ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे। जैसे वो चेक रजिस्टर्ड चार्जेस फीस आप जमा करेंगे, उसके बाद में ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में एंटर होगा। तो अभी मेरी GM साहब के साथ बात हुई है आपके चेक के बारे में, तो चेक रजिस्टर्ड करने के लिए उसके चार्जेस जो हैं वो है 8,100 रुपीज़, 8,100 रुपये, जो कि आपको पहले से जमा करवाने पड़ेंगे। जैसे ही जमा करवाएंगे,
10 से 15 मिनट के बाद आपका चेक आपके नाम पे रजिस्टर्ड करके मैं आपका ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में एंटर कर दूंगा। आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट से अपनी पेमेंट को निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो आप ये चार्जेस पे करेंगे वो आपको केबीसी कंपनी के जीएम साहब का शुभ नाम और उनका अकाउंट नंबर और उनका आईएफएससी कोड ये आपको दिया जाएगा, जिसमें आपने ये पैसे ट्रांसफर करवाने हैं। वो आप अपने मोबाइल के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, गूगल पे से, फोन पे से, उसके अलावा पेटीएम से कर सकते हैं। ऐसी कोई सुविधा आपके पास मौजूद नहीं है, आपके नज़दीक में कोई दुकान वगैरह है पैसा ट्रांसफर करने वाली, जैसे कि मनी ट्रांसफर, एयरटेल मनी, पेटीएम शॉप, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही जमा करेंगे 10 मिनट के बाद आपका चेक आपके नाम पर रजिस्टर्ड करवा के मैं आपका ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में एंटर कर दूंगा। आप आसानी से अपने अकाउंट से अपनी पेमेंट को निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो अभी आपको ये पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कितना टाइम लगेगा मुझे टाइम बोलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम साची अख्तर खान है, मैं केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के मालिक अमिताभ बच्चन जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत ही गरीब और मैंने किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा किया है, 12,200 रुपये जमा कर दिए और मेरा खाते में 25 लाख रुपए आ गया है। इसकी वजह से हमें कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था और इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आकाश वर्मा जी हमें ही बहुत सब कुछ ये किए और इनके वजह से मैं सबका बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरे खाते में 25 लाख रुपए आ गए हैं। इसके वजह से मैं आकाश वर्मा को और सबको नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं अविता जी और उनकी कंपनियों के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। विजय कुमार जी व आकाश वर्मा जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे इस लॉटरी का भागदारी समझा। मुझे कई लोगों ने मतलब बहकाया भी हम लोगों को कि नहीं ये सब फर्जीवाड़ा है, पर हमने आकाश वर्मा जी की बात को मानते हुए विश्वास करते हुए 12,200 रुपये जमा किए। उसके तुरंत 10 मिनट बाद हमको 25 लाख रुपए की लॉटरी कैश हो गई और हम पैसा निकाल के बैंक से अपने घर के लिए आ चुके हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद अविताभ जी को, धन्यवाद तहे दिल से। दूसरे व्यक्ति से सर, हमने ये 12,200 रुपये एक दूसरे व्यक्ति से उधार लेके आपके लिए जमा किए थे सर। दिल में तो बहुत कुछ धक-धक सी हो रही थी, पर हमने कही चलो एक बार गणेश जी का नाम लेकर इस कार्य को करते हैं, देखो क्या होता है। पर हमारा विश्वास जो हमने किया था वो पूर्ण रूप से पूरा हुआ सर। धन्यवाद सर, सभी कंपनी वालों को भी धन्यवाद, अमिताभ बच्चन को भी धन्यवाद। ये देखे बेटे, आपका पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके अकाउंट में, मैंने लॉगिन कर लिया, ये देखें, और ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया, क्यूब ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया मैंने, देन यहाँ पे देखे बेटे आपका नाम और अकाउंट, ये चीज़ें मैं फिल कर रहा हूँ आपके सामने फिल कर रहा हूँ, ठीक है। और बेटे यहाँ पे देखे IMPS, इसका मतलब होता है कि 2 मिनट के अंदर अंदर पैसा ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अदर बैंक ट्रांजैक्शन पे मैंने क्लिक किया और बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल की, ये आपके सामने पैसा मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखो। और मैंने उसके बाद सबमिट किया, सबमिट के बाद बेटे देखो आपके अकाउंट की डिटेल चेक कर लो और अब मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। ये देखे बेटे जैसे मैंने पैसा ट्रांजैक्शन किया तो आगे जो आपका पिन कोड लगा हुआ ना आपके 25 लाख पे, उसका मैसेज आ रहा है कि पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो बेटे ये देखे आपके सामने है, ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो पिन कोड ओपन करवा रहे हैं आप, ठीक है। पिन कोड लगा हुआ है अमाउंट के ऊपर, ये पिन कोड आपको बता दिया जाएगा, इसका टैक्स आ रहा है आपको 8,100 रुपए। अकाउंट में जमा करो, जमा करके स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर। तो दोस्तों ऑडियो और वीडियो आपने देख ली, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास व्हाट्सएप पर ऐसा अनजान नंबर से कोई लॉटरी फोटो या कोई ऑडियो आए तो आप इनके झांसे में न फंसे, और यह सब फ्रॉड है, क्योंकि आप सबको पता है कि बिना कुछ किए आप 25 लाख रुपए कैसे जीत सकते हैं। और इनके खातों में एक भी रुपया जमा ना करें, क्योंकि आपने सुना होगा ऑडियो में कि आपका चेक या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आपको यह टैक्स देना पड़ेगा।
अगर दोस्तों आप पढ़े लिखे हैं तो आप बता सकते हैं कि 25 लाख रुपए पे कितना टैक्स लगता है, और यह सिर्फ कह रहे हैं कि 8,100 यानी 8,100 रुपये जमा करें और आपका टैक्स जमा हो जाएगा और आपके खाते में 25 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़े लिखे समझदार हैं तो आप अपने आप ही निकाल सकते हैं कि 25 लाख रुपए पर कितना टैक्स लगता है भारत सरकार का। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो बिल्कुल सच्ची है और मेरे साथ हुआ है, कल की ही बात है 28 सितंबर की। तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप एक भी रुपया जमा ना करें और यह नंबर बिल्कुल डिलीट मार दें और बिल्कुल ब्लॉक कर दें। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे हो, मैं आपको सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा दोस्तों आज, क्योंकि यह आपके हित में है, तो यह वीडियो पूरी फैला दो। इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने सभी दोस्तों को, जो अगर आपके दोस्तों के पास भी यह मैसेज आए तो सबको बता दो कि यह बिल बहुत बड़ा फ्रॉड है और यह आपके पैसे, अगर आपने इनके खाते में पैसे जमा किए और फिर ये गायब, फिर आप ढूंढते रह जाओगे ये कहाँ गए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें, दोस्तों शेयर तो आप इस वीडियो को ज़रूर करें, क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है और यह आजकल पूरे देश में हमारे दोस्तों के साथ हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें।